डेब्यू से पहले ही सरफराज ने अपने बल्ले के जादू से अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए, जहां रोहित के साथ मिलकर सरफराज ने भारतीय गेंदबाजों को इतनी बेरहमी से पिटाई की जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे सरफराज के तूफान में उड़े गेंदबाज, कैसे रोहित से गुरु मंत्र पाकर सरफराज ने तहलका मचाने का मन बना लिया है, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने, रोहित ने कैसे निभाया उनका बखूबी साथ, इनके साथ साथ उनकी पूरी विस्फोटक बल्लेबाजी, भारतीय खिलाड़ियों की जी तोड़ प्रैक्टिस भी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है, जिसके बाद तीसरा और सबसे रोमांचक टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाने वाला है। इसके लिए सभी भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में जी तोड़ मेहनत की, खास तौर पर सरफराज खान तो भारत के प्रैक्टिस सेशन की हाईलाइट रहे हैं। सभी ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन सरफराज ने पूरी महफिल लूट कर वो कारनामा किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। प्रैक्टिस सेशन शुरू होने से पहले ही सरफराज खान ने रोहित शर्मा से लंबी बातचीत की, उनसे खेल के दांव पेच समझे, रोहित ने उन्हें परिस्थितियों से वाकिफ करवाया, अपने बल्लेबाजों के गुर भी बताए। उसके बाद तो सरफराज का कॉन्फिडेंस देखने लायक था, वो हाथों में बल्ला थाम कर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए उतर चुके थे। आते ही उन्होंने सभी भारतीय गेंदबाजों का बेखौफ अंदाज में सामना किया। मुकाबला तो टेस्ट क्रिकेट का चल रहा था, लेकिन सरफराज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी का नमूना दिखा रहे थे। उनकी कई तस्वीरें इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं। खुद बीसीसीआई ने सरफराज की प्रैक्टिस की तस्वीरों को शेयर किया है, जो सामने आते ही आग की तरह वायरल हो गई। बुमराह से लेकर अश्विन अक्षर सभी की सरफराज ने बेरहमी से पिटाई की। मैदान के हर कोनों पर उनके बल्ले से शॉट निकले, और जाते जाते उन्होंने कुलदीप यादव पर एक तो एक के बाद कई लंबे लंबे शॉट लगा दिए। उनकी शानदार बल्लेबाजी देख कर केवल रोहित शर्मा ही खुश नहीं थे, बल्कि पूरा भारतीय खेमा हैरान था। यहाँ तक कि उनकी बल्लेबाजी के चर्चे तो इंग्लैंड के खेमे तक भी जरूर पहुंचे होंगे। तो केवल सरफराज वही नहीं, सभी खिलाड़ियों ने मैदान में जी तोड़ मेहनत किया है। रोहित शर्मा ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। मिड विकेट से लेकर मिड ऑन मैदान के हर कोने में उन्होंने लंबे लंबे शॉट लगाए, साथ ही वो संभल कर बल्लेबाजी का अभ्यास करते भी दिखे। तो वहीं रजत पाटीदार से लेकर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, काफी सभी लोगों ने मेहनत किया है। गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया, और ये प्रैक्टिस देख कर तो यही लग रहा था कि वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए कोई भी कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां डेब्यू से पहले ही सरफराज खान दिखा चुके हैं कि वो किस काबिल हैं, ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि अपने डेब्यू टेस्ट मैच में सरफराज का बल्ला कितना कमाल दिखा पाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, तीसरे टेस्ट मैच में रोहित, सरफराज और यशस्वी में कौन शतक लगाएगा? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।